नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, तो आप सभी को बीआरजी न्यूज की पूरी टीम की ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज जन्माष्टमी का पर्व है और हर साल जन्माष्टमी के पर्व को लेकर उत्साहित भक्त आधी रात को कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर शहर के मंदिरों में देखने मिलते हैं, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते कुछ गाइडलाइंस दी गई है और इसी की वजह से भक्त कृष्ण जन्मोत्सव के वक्त मंदिर में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। ऐसे में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज जी ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का आयोजन इस बार तरह है, सुबह से भाविक भक्तों के दर्शन एकदम भगवान के कर रहे हैं और कोविड-19 का पूरा पक्का पालन करते हुए, और 1 बजे तक होगा भी दर्शन, उसके बाद शाम की 4:30 से लेकर के 10:15 बजे मंदिर भाविक भक्तों के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार का जो एक अनुपालन है वो सबको हम सबको करते हुए हम आप सभी को दर्शनार्थियों को उसी के अनुरूप जो है हम आपको चलना पड़ेगा, और रात्रि 12 बजे जो अभिषेक इत्यादि है हमारे भक्तों संतों के द्वारा होगा। कल जो है 7:15 से लेकर के 1 बजे, 4:30 से लेकर रात्रि 9 बजे तक मंदिर रहेंगे, खुले रहेंगे। जो भी चूँकि पारणा है, एक बहुत बड़ा महत्व है, नंदोत्सव है, तो भाविक भक्तों के लिए किसी प्रकार की कोई भंडारा इत्यादि की कोई आयोजन नहीं, कोई संस्कृत आयोजन नहीं किया गया है। हाँ, उनको थोड़ा सा धोने में प्रसाद इत्यादि दिया जा सकता है। पुनः एक बार जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर बड़ौदा वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग आए, दर्शन करें और अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। शुभम अस्तु, कल्याणम अस्तु। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने शूटिंग में इतिहास रच दिया है। दरअसल अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के फाइनल में 249.6 का स्कोर कर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये पैरा ओलंपिक खेलों में एक नया रिकॉर्ड है और इसी जीत के साथ अवनी ने यूक्रेन की इरियाना शेतनिक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। जयपुर की रहने वाली अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने चीन की जांग कुईपिंग को भी परास्त किया। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है और साथ ही भारत का इन खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी पहला पदक है। टोक्यो पैरालंपिक में भी ये देश का पहला गोल्ड मेडल है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली अवनी तीसरी भारतीय महिला बन चुकी है। कल शहर में आम आदमी पार्टी की ओर से जन संवेदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम शहर के गांधीनगर गृह में आयोजित हुआ था और इसमें आम आदमी पार्टी के सभी अग्रणी नेता और कार्यकरों की उपस्थिति रही थी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया भी विशेष तौर पर मौजूद रहे थे। इस कार्यक्रम के तहत शहर में कोरोना महामारी से जान गंवा देने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही इन सभी के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई गई। જનસંવેદના મુલાકાત કાર્યક્રમ અંતર્ગત વડોદરા શહેરમાં કોરોના કાળ દરમિયાન જે કોઈ પણ આપણા સ્નેહીજનો પરિવારજનો ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતાને કારણે બેદરકારીના કારણે પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે તે તમામ મૃતકોને આમ આદમી પાર્ટી વતી શ્રદ્ધાંજલિ આપવા, તેમના પરિવારજનોને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા, અને વર્ષોથી ભાજપ કોંગ્રેસે જે અઘોષિત ગઠબંધન બનાવી રાખી ગુજરાતની જનતાનું શોષણ કર્યું છે તેને એક નવો ઈમાનદાર અને સમજદાર વિકલ્પ આપવા માટે
आम आदमी पार्टी आ कार्यक्रम आयोजित करो छे। गुजरातना खूणे खूणे छेल्ला पौणा बे महीनाथी आ जनसंवेदना मुलाकात कार्यक्रम चालू छे। गामडे गामडे, तालुके तालुके, शहरे शहरे जईने आम आदमी पार्टीना आगेवानश्रीओ लोकोना दुःखमां भागीदार बनी रह्या छे। ખાસ કરીને કોરોના સમયગાળા પછી સૌથી મોટું દુઃખ આપણા સૌની ઉપર આપણા ધંધા રોજગાર કે વેપારને અસર પહોંચી છે। આપણી આવક, આપણી કમાણી, આપણા ખિસ્સામાં પૈસા ઘટ્યા છે। આ સૌથી મોટું દુઃખ આખા ગુજરાત ઉપર આવ્યું છે અને છતાંય ભાજપ સરકાર લોકોના ખિસ્સામાં 5 પૈસા આવે, રોજગારી મળે, દુકાન વેપાર ધંધા રોજગાર વ્યવસ્થિત ચાલે, માણસ 5 પૈસા કમાઈને શાંતિથી જીવી શકે તે બાબતની કોઈ વ્યવસ્થા કરવાના બદલે આશીર્વાદ યાત્રાના તાઇફાઓ કાઢી લોકોના દાજિયા ઉપર ડામ આપવાનું કે એમની નિષ્ફળતાઓને ઉપર લાજવાના બદલે ગાજવાનું કામ કર્યું છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી એક વિપક્ષ તરીકેની ભૂમિકામાં અત્યારે ગુજરાતની જનતા માટે ઊભી થઈ છે અને ગુજરાતની જનતા પર ખૂબ આશાથી, ખૂબ વિશ્વાસથી અને એક નવી દિશામાં આગળ લઈ જવા માટે ગુજરાતની જનતા આમ આદમી પાર્ટીને સ્વીકારી રહી છે। पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था का एक कार्यकर कुणाल चुथार कुछ दिनों पहले पंचमेलाइट फ्लैट के सामने सड़क पर खुले घूमने वाले जानवरों को खाना खिलाने का कार्य कर रहा था। उसी वक्त इस फ्लैट के कई निवासियों की ओर से उसके साथ मारामारी की गई, जिसके बाद उसके माता पिता के साथ भी मारामारी की गई और फिर इन सभी निवासियों की ओर से सड़क पर खुले घूमने वाले कुत्तों को भी पीटा गया। ऐसे में कुणाल चुथार की ओर से हरनी पुलिस थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हरनी के पीआई ने इस मामले शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले की जानकारी पीपल फॉर एनिमल संस्था के कार्यकर कुणाल सुथार की ओर से दी गई है। हूँ अत्यारे हरनी पुलिस स्टेशन पर उभो छु। हूँ पंचम मेलाइट खोड़िया नगर पास रहू छु। त्या हूँ एक वर्ष पहला सोसायटी बहार 3 रस्ता पर आई सोसायटी में 3 रस्ता पर रही मैं कूतराओं ने फीडिंग करता तो रेग्युलर। हमें ये सोसायटी मेम्बर्स ने ना गम्यू अने एमने 31 जुलाई रोज रात्र सोसायटी मीटिंग बोलावी अने उग्र स्वरूप धारण कर्यु त्याए धारण कर पछी ए लोकोए दारू पीने मने मार मार्यो। दारू पीधेली हालत में चेतन चांपानेरी, राकेश नायक, लक्ष्मण साधवानी अने अल्पेश देवपुरा था। हवे मार मारता मारी मम्मीए जरा वच्चे छोड़ावा पड़ी त्यारे मारी मम्मी ने भी खेची अने गाड़ो देवामां आवी। जॉब पर मारा फाधर जरा आव्या त्यारे जपा जपी अंदर चेतन द्वारा मारा फाधर नु शर्ट फाड़ी नाखवामां आव्यु। एक कर्या पछी ए लोकोए कूतराओने भी घणा मार्या पछी जारे मैं पोलिस नी हेल्प लेवा माटे मैं आव्यो त्यारे ए लोकोए पोलिस उपर मुकेश नगर सेठ द्वारा पीआई साहेब उपर विजय देसाई साहेब उपर पॉलिटिकल प्रेशर आपवामां आव्यु। ए पॉलिटिकल प्रेशरना लीधे पीआई साहेबे मने घणो धमकाव्यो। एमना खुद एवा शब्दों हता के तू वो कॉन्स्टिट्यूशन करे छे तो एमने चोपड़ी काढीने मने कीधी आटली जाडी चोपड़ी तने एक ज वारमां समझाई दईश। અને મેં એ સમયે સમજી ગયો કે આ કેસ મારા હાથમાંથી છટી ગયો છે એટલે મેં પીએફએનો સંપર્ક કર્યો। પીએફએમાંથી બધા ટીમ મેમ્બર મારા સપોર્ટ માટે આવી અને પછી એમને પીઆઈ સાહેબ જોડે વાત કરી। પીઆઈ સાહેબે એમને સૌથી પહેલાં જેમ જે પ્રકારે મારી પાસે પીઆઈ સાહેબ મને ખખડાવતા હતા, પીઆઈ સાહેબે મને કીધું કે આ તારું એનજીઓ નથી, પોલીસ સ્ટેશન છે અને એ લોકો એ જે બીજા બધા અપરાધ આરોપીઓ હતા એ આરોપીઓ ઉપર એ લોકોને કીધું કે તમે આના ઉપર માલહાનિનો કેસ કરો। ઉલટું પીઆઈ સાહેબે ઉલટો મારા ઉપર મારા વિરુદ્ધ કેસ નાખવા માટે એ લોકોને કન્વિન્સ કર્યા પછી ત્યાં વાત દબાઈ દેવામાં આવી એટલે પછી મેં પીએફએને સંપર્ક કર્યો। આ બનાવ ફરિયાદ મેં ત્રીજા દિવસે આવી બનાવ મારામારીનો બનાવ 31 જુલાઈનો છે રાતનો
કેમ કે પીઆઈ સાહેબે વસ્તુ દબાઈ દીધી હતી અને પીઆઈ સાહેબે વસ્તુ દબાઈ દેતા પછી મારે પીએફનો સંપર્ક કરવો પડ્યો અને પીએફે સોસાયટીમાં આવીને વસ્તુ પતાવવાની વાત કરી હતી પણ વસ્તુ અને સોસાયટીવાળા અઘરી બી થઈ ગયા હતા મને એપોલોજી લેટર આપી દીધો છે પણ એ લોકોએ એ બાને મુદત લીધી થોડી સમય અને મુદત લઈને પછી ફરીથી પોલિટિકલ પ્રેશર બનાવીને એ લોકોએ પીએફએ ઉપર ફરિયાદ કોર્પોરેટર ફરિયાદ આપી પીએફએ વિરુદ્ધ કોર્પોરેટર આપણા જે વડોદરા આપણે મારા વિસ્તારના જે કોર્પોરેટર છે એને ફરિયાદ આપી ફરિયાદ આપ્યા પછી મારા જે આજે પીએફ એના જે ટીમ મેમ્બર્સ છે એ લોકો મારા સપોર્ટમાં આવ્યા સપોર્ટમાં આવી અને પછી પીઆઈ સાહેબને પર વાત કરી અને પીઆઈ સાહેબે એમને સૌથી પહેલાં મારી જોડે જેમ ફોન મુકાઈ દેવામાં આવ્યો હતો અંદર બોલાવતા પહેલાં મને ટળકાવતા પહેલાં સેમ રીતે પીએફએના જે લીડર છે અમારા શિખા પટેલ એ શિખા દીદીને પણ એ જ વાત કરી એમને કીધું કે એકલા લેડી અંદર આવે ફોન મુકાઈને આવે અને એ વસ્તુ શક્ય ન બનતા જ્યારે શિખા દીદીએ એવું કીધું કે અમે બે લેડી ઓફિસર છે અમે ફોન મૂકીને આવીશું બે આવીશું ફોન મૂકીને આવીશું તે છતાં બી પીઆઈ સાહેબે પીએફએ પીપલ ફોર એનિમલ તો પીઆઈ સાહેબ અઘરી ન થયા એ બે લેડીઝોને બી ફોન વગર અંદર લેવામાં અઘરી ન થયા અને એમને એક જ ડિમાન્ડ કરી કે જે લીડર છે એ જ ફોન મૂકીને આવે હરણી પોલીસ સ્ટેશનમાં ઊભા છે અમે લોકો અને અમે અહીંયા કમ્પ્લેન લખાવવા આવ્યા છે એનિમલ ક્રુઆલિટીની અને ધમકી આપના જે અમને ધમકી આપવામાં આવી બીંગ એન એનિમલ એક્ટિવિસ્ટ અને પીઆઈ સરને મળવા આવ્યા હતા કેમ કે અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે પોલિટિકલ પાવર પોલિટિકલ પ્રેશર ગયો છે પીઆઈ સરને કોઈ વાતનો જેનાથી એ અમને હેલ્પફુલ નહોતા અને જે એક્ટિવિસ્ટ સાથે મારામારીનો બનાવ બન્યો હતો એમાં પણ પીઆઈ સરનો સપોર્ટ નહોતો એના રૂલ્સ પર જઈને એ બહાર ખવડાવતો હતો કૂતરાઓને જે ત્યાંના પંચમ ઇલાઇટ ફ્લેટ્સને ગમતું નહોતું એટલે એ લોકોએ એની ઉપર અટેક કર્યું હતું એને અને એની મમ્મી પર એને આને કમ્પ્લેન કરી હશે મેનકા ગાંધી સંસ્થામાં પીએફએ દિલ્હી જ્યાંથી અમને ફોન આવ્યો અને અમને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવ્યું કે આવી રીતનો બનાવ બન્યો છે માટે તમે જરા જઈને વાતચીત કરો સોલ્વ કરો અને જેની જે તકલીફ છે એ જાણીને એનો સોલ્યુશન લો સો બેઝિકલી અમે આવ્યા ત્યારે અમે કીધું કે અમે બે ઓફિસર્સ છે અને અમને બંનેને પીઆઈ સર સાથે વાત કરવી છે ઇન્ફોર્મ કરવું છે રિયલ મેટર શું થઈ હતી એનું સો દેટ એમની પાસે ખોટી એ ના રહે ઇન્ફોર્મેશન અમે બંને ગયા પણ અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ફોન મૂકીને અંદર જાઓ અમે કીધું પોસિબલ નથી એક વ્યક્તિ એટલે મેં કીધું એ પોસિબલ નથી એ હું હોઉં કે હોય અમે એકલા ના જઈ શકીએ ના અમે કોઈ એકલા નહોતા ગયા ફોન વગર બોલાયા હતા એટલે અમે મેનકા મેડમને ફોન કર્યો કે મેડમ ફોન વગર બોલાવે છે અને એક જ વ્યક્તિને બોલાવે છે પોસિબલ નથી મેડમે ના પાડી ના જશો એટલે અમારા જે હેવો ઓફિસર છે રાજીવ શાહ એમને જાતે ડીસીપી સર જોડે મેનકા મેડમે ડીસીપી સર સાથે વાતચીત કરી અને અહીંયા એમને ઇન્ફોર્મ કર્યું પછી જઈને અમને 3-4 જણને અંદર બોલાવવામાં આવ્યા સરે અમારું બધું જ સાંભળ્યું પીઆઈ સરે અમારી એકચ્યુઅલી સ્ટોરી સાંભળી બધી કે હકીકત આવી થઈ છે અને પીઆઈ સરને પીઆઈ સરનું એવું કેવું છે કે એમને પણ ફોલ્સ એમાં એલિગેશન્સમાં નાખવામાં આવ્યા હતા અને એમને કંઈક બીજી સ્ટોરી મળી હતી અમારી પાસેથી કંઈક બીજી એ છે એટલે એમને એવું કીધું કે તમે અરજી અહીંયા હવે નાખી દો એફઆઈઆર કરો કે અરજી કરો પછી જઈને એમને સપોર્ટ બતાવ્યો ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક પોલિટિકલ પ્રેશર તો આવ્યો છે એ પાક્કું છે કેમ કે એવું તો જાતે જ અપાર્ટમેન્ટવાળાએ અમારું નામ લઈને કરવાનું ટ્રાય કર્યું હતું પોલિટિકલ પ્રેશર કોણો છે અમને નથી ખબર પણ હા ડેફિનેટલી કોર્પોરેટરને કમ્પ્લેન ગઈ છે કાલે એપાર્ટમેન્ટવાળા કોર્પોરેટરને કમ્પ્લેન કરવા ગયા હતા અને કોર્પોરેટર સાહેબે આજે વાતચીત પણ કરી અજીત દધીજ સાહેબ હતા અને એમને આજે મારી સાથે વાતચીત પણ કરી ને એમને ઇન્ફોર્મેશન પણ આપવામાં આવી હતી કે આવી રીતે એટલે મારે એમને કહેવું પણ પડ્યું કે સાહેબ બે સાઈડની સ્ટોરી સાંભળ્યા વગર ક્યારે પણ ડિસિઝન નહીં લેવાના 14 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છે અમે લોકો બધા અમારા લોયર છે અમારા એક્ટિવિસ્ટ છે બધા સાથે અમે ઓફિસર્સ છે અને કોઈ ફિલ્ડમાં એવું નથી થયું કે અમે કોઈને ધમકી આપવાની જરૂર પડી ધમકી માટે પોલીસ છે 100 નંબર છે અમારે અમારો રાઈટ નથી અમે ખાલી સમજાવવાના કામ કરીએ છીએ એના સિવાય બીજા કોઈ કામ અમે નથી કરતા મારા તરફથી એવો સપોર્ટ રહેશે કે અમે એમને બેસાડીને વાતચીત કરીશું કે તમે ભાઈ અને કોર્પોરેટર થોડાક એમાં હતા કે તમે આવી રીતે ધમકી મેં તો ધમકી તમારી પાસે શું પ્રૂફ છે કે અમે ધમકી આપી તમને ખાલી 10 જણે આવીને 20 જણે આવીને કહી દીધું એ કશી જ પ્રૂફ ના કહેવાય અમારી પાસે પ્રૂફ છે કે અમે કોઈ ધમકીને અમે લોકોને અવેરનેસ આપવા જઈએ છીએ અને એ જ એક એક્ટિવિઝમનું કામ છે અવેરનેસ આપવું
मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य दो संस्थाओं के सहयोग से आज जरूरतमंद लोग भी श्रावण माह के त्योहारों को मना सके, इस आशय से 500 राशन किट का वितरण किया गया। वडोदरा में मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट बीते 6 साल से कार्यरत है और ये संस्था जरूरतमंदों की काफ़ी मदद भी करती है और इस संस्था की निष्ठा से प्रेरणा लेकर अमेरिका स्थित नवकार सेंटर और नवकार ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने संस्था को सहयोग दिया, जिसके चलते इन तीनों संस्था ने मिलकर श्रावण माह के दूसरे सप्ताह में आने वाले त्योहारों को जरूरतमंद लोग भी मना सके, इस आशय से स्लम इलाकों और रेन बसेरा में विधवा महिलाओं और ज़रूरतमंद लोगों में राशन किट का वितरण किया। 7 किलो की ऐसे 500 राशन किट का वितरण किया गया और आने वाले वक्त में भी इस संस्था की ओर से ऐसे ही कार्य किए जाने की बात भी बताई गई। श्रावण महीना में दान पुण्य नो एक अनेरो महिमा हो ध्यान में राखी मानवता कैम्पेन चेरिटेबल ट्रस्ट नौकार सेंटर यूएसए और नौकार ट्रस्ट अमदावाद एम तरफ थी 7 किलो की किट वितरण करने आयोजन कर 500 महिलाओं ने 2 दिवस में किट आप आयोजन करू है, जे लगभग मोस्टली पतवा आयु है। जन्माष्टमी काले सांज सुधी में 500 किटन वितरण। शहर की सफायर ग्लोबल स्कूल में जन्माष्टमी के मद्देनज़र कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जन्माष्टमी के पर्व को मनाते हुए इस कार्यक्रम में कई छात्र और उनके अभिभावक वर्चुअली जुड़े, सभी की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियां भी पेश की गई। जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण भक्तों की ओर से काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है और जन्माष्टमी के कुछ वक्त पहले से ही सभी भक्त उत्सव की तैयारियों में लग जाते हैं। ऐसे ही जन्माष्टमी के पर्व के मौके पर जेशी ग्रुप संचालित सफायर ग्लोबल स्कूल में भी इस पर्व को मनाया गया। वर्चुअली मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में छात्र और अभिभावकों ने उत्साह से हिस्सा लिया, साथ ही छोटे छोटे बच्चे राधा और कृष्ण भी बने और उनकी माता यशोदा बनी। सभी ने अपने घरों में सुंदर सजावट भी की थी और पारणा बनाकर उसमें श्री कृष्ण को विराजमान भी किया था। इस उत्सव पर सभी शिक्षक और स्कूल के आचार्य भी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का बेहतरीन खेल जारी है। आज सुबह अवनि लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 इवेंट में गोल्ड जीतकर भारत को इस साल का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसी बीच आज एक ही दिन में भारत के नाम इस साल के पैरा ओलंपिक्स में दूसरा गोल्ड मेडल आ चुका है। भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो के F64 इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा है। भारत के भाला फेंक सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इस मेडल पर अपना कब्जा किया है। पहली बार पैरा ओलंपिक खेल रहे सुमित ने जेवलिन थ्रो के F64 इवेंट के अपने दूसरे प्रयास में 68.8 मीटर का थ्रो किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 5वें प्रयास में इसे और सुधारा और 68.55 मीटर के थ्रो के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सुमित के भाले ने इस पूरे इवेंट के दौरान लंबी दूरी तय की और उन्होंने अपने हर एक प्रयास को पूरा जोर लगाकर पूरा किया। इसी के साथ भारत को स्वर्णिम तरीके से आज एक ही दिन में दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर आज हम आपको श्री कृष्ण के सबसे बड़े मंदिर से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो तकरीबन 800 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार किया जा रहा है। और इस मंदिर की खासियत का पता उसी बात से चलता है कि इस मंदिर के एक हॉल में 10,000 से भी अधिक लोग कीर्तन कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण का ये बड़ा मंदिर आखिर कहाँ तैयार हो रहा है और कैसे, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर नदिया जिले में मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बन रहा है। 6 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा क्षेत्र में तैयार हो रहे इस मंदिर में 7 फ्लोर हैं। पुजारी फ्लोर फरवरी 2020 में ही तैयार हो चुका था और साल 2023 में मंदिर का 80% काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते इन दिनों मंदिर के अंदर किसी को भी जाना मना है।
मंदिर का निर्माण इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस यानी कि इस्कॉन करवा रहा है। मंदिर के चेयरमैन एल्फ्रेड फोर्ड है, जो यूएस की ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के संस्थापक है। इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद उनका नाम अब अम्बरीश दास है। मायापुर स्थित मंदिर संस्थान का आध्यात्मिक मुख्यालय माना जा रहा है। ये एक यूनिक टेम्पल है। इसमें कुल 7 फ्लोर हैं, जिसमें यूटिलिटी फ्लोर, पुजारी फ्लोर, टेम्पल फ्लोर और उसके बाद आ रहा है म्यूजियम फ्लोर्स। खास बात इसमें यह है कि पुजारी फ्लोर 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुजारी फ्लोर है। यहाँ पुजारी भगवान की पूजा से जुड़ी तैयारियाँ करते हैं। मंदिर 6 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। मंदिर के फ्रंट में 45 एकड़ में गार्डन है, जबकि मंदिर 12 एकड़ में बना हुआ है। मंदिर का कीर्तन हॉल 1.5 एकड़ में बनाया हुआ है, जहां एक बार में 10,000 भक्त एक साथ कीर्तन कर सकते हैं। मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो मंदिर की ऊंचाई 350 फीट है। गुंबज का व्यास 177 मीटर है। 6 लाख स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर है। इस मंदिर को बनाने के पीछे का बजट 800 करोड़ से भी ज़्यादा है और अब तक 444 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसे बनाने में खर्च भी हो चुके हैं। मंदिर के निर्माण में 2 करोड़ किलोग्राम से भी ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल हो चुका है। इसका हर एक फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। वेस्टर्न आर्किटेक्चर को हाईलाइट करने के लिए इसमें ब्लू बोल्वियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में 20-20 मीटर लंबे झूमर लटकाए गए हैं। मंदिर में 20-20 मीटर लंबे झूमर लटकाए जाएंगे, जिसे तैयार करने का काम फिलहाल चल रहा है। सीएम ममता बनर्जी मायापुर को पहले ही हेरिटेज सिटी घोषित कर चुकी है। इस मंदिर के तैयार होने के बाद यहाँ का टूरिज्म तेजी से डेवलप होने वाला है। तो आज जन्माष्टमी के इस पर्व पर हमने आपको दुनिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर के बारे में बताया, जो 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, जिसका एक हॉल ही इतना बड़ा है कि जिसमें 10,000 भक्त एक साथ कीर्तन कर सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर बीते कई वक्त से हर चीजों के दाम में इजाफा देखने मिल रहा है। इस साल कोरोना के चलते फूलों के दाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। श्रावण माह में कई त्यौहार आते हैं और त्यौहारों में फूलों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज जन्माष्टमी का पर्व है और इस पर्व को लेकर आज बाज़ार में फूलों की खरीदारी करने के लिए लोगों का जमावड़ा देखने मिल रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल फूलों के दाम ज़्यादा होने की वजह से खरीदी करने वाले सभी ग्राहक काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। वो मंडी बहुत है, 100-100 रुपये कैरेटो बेचिए तो ग्राहक नहीं आ रहा जी। वक्त सारू हो तो जरा गा वक्त 400 रुपये जो हुआ तो भाव 40 रुपये किलो बेचा तेला। आ वक्त 100 रुपये भी लेवा कोई राजी नहीं। अंदर मार्केट में गयो छू तो त्यांथी अत्यारे अहीं जे व्यापारी लाइन में है तो थोड़ा सस्ता है अने त्यां अंदर बहु मोंघा है। अहीं 100 रुपये कैरेट मिले त्यां अंदर 250 रुपया है। तो एक्चुअली अहीं बहार थी लेवू सारू, कारण मार्केट नी अंदर आना करता डबल भाव ले। बारिश के मौसम की शुरुआत तो कब से हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठीक से बारिश नहीं बरसी है और बारिश की कमी के चलते देश भर में जल संकट की आस भी जताई जा रही है। हालांकि बारिश के मौसम की शुरुआत तो कब से हो चुकी है लेकिन अभी तक ठीक से बारिश नहीं बरसी है, जिसके चलते पूरे देश में जल संकट के आसार नज़र आ रहे हैं। 50% से भी कम बारिश इस बार देखने मिली है, जिसके चलते शहर के आजवा सरोवर का जलस्तर भी घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सभी के लिए ये बड़ी परेशानी बन रहा है। उसी के चलते आज शिवसेना के कार्यकरों की ओर से शहर के खोड़िया नगर इलाके में एक हवन आयोजित किया गया था। परंपरागत रूप से इस हवन को कर कर मेघ राजा को प्रसन्न करने की कोशिश की गई। शिवसेना वडोदरा शहर तरफ थी आप सब जाए कि गुजरात में वरसाद कमी रही थी रही है। 50% जो वरसाद सीजन में पड़ो है, चौमासु पूरु थानी आरे हो तरह 50% जो घट है ये पूरी थाय अमे आज
ખોડિયારનગર ચાર રસ્તા પાસે આવેલ ખોડિયાર માતાના મંદિરે પવિત્ર જન્માષ્ટમીના દિવસે મેઘરાજાને રિઝવવા માટેનો એક હવનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો, જેથી કરીને વડોદરા શહેર ઉપર વરસાદની મેઘમહેર રહે અને જે આજવાની સપાટી ધીરે ધીરે ઘટી રહી છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં આજવામાં પાણી આવી રહે અને વડોદરાવાસીઓને પાણીની તકલીફ ના પડે, પીવાનું પાણી પૂરતું મળી રહે, ખેડૂતોને ખેતી માટે પૂરું પાણી મળી રહે એ માટેનો એક નાનો खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बीआरजी ग्रुप। ब्रेक के बाद बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए भक्त विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। ऐसे ही शहर के एक कलाकार ब्रजेश शाह की ओर से जन्माष्टमी के इस पर्व पर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दिखाने के लिए अपनी हाथों की उंगलियों के नाखून पर कई कृतियां बनाई गई है। जन्माष्टमी के पर्व पर भक्तों की ओर से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भक्त दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शहर के पाकुड़िया इलाके में रहने वाले एक कलाकार की ओर से अपने नाखून पर भगवान श्री कृष्ण की कृतियां बनाई गई है और इस तरह श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से इसी तरह माइक्रो पेंटिंग्स बनाने वाले ब्रजेश शाह ऐसी कृतियां बनाते रहते हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस कला के बारे में। मारू नाम ब्रजेश शाह छे अने मारी शॉपनु नाम छे श्रीजी आर्ट्स, जे वागोड़ा रोड पर परिवचा रस्ता पासे आवेलू छे। मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी निमित्ते पोताना नेलनी उपर श्री कृष्णनो संपूर्ण आख्विक कृति उभी करेली छे। हूँ छेल्ला 20 वर्षथी आ प्रकारना विविध माध्यमों में काम करी रह्यो छुं। आजनी आ कृति बनावा પાછળનો મારો એમ હતો કે હું કૃષ્ણ ભગવાનને કંઈક અલગ રીતે અર્પણ કરું, તો મેં પોતાનો જ નેલને એને આવી રીતના પેઇન્ટ કરીને પેઇન્ટિંગ બનાવેલું છે। આ પેઇન્ટિંગ બનાવવા પાછળમાં લગભગ 5-6 મિનિટ સમય લાગ્યો છે। ટોટલ 19 મિલીમીટર એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર અને 9 મિલીમીટર જેટલો આની લેન્થ છે આ પેઇન્ટિંગ્સની। લગભગ 20 વર્ષથી હું માઇક્રોમાં વર્ક કરી રહ્યો છું અને મારા મોસ્ટ ઓફ પેઇન્ટિંગ્સ બધા મિલીમીટરમાં પતાવે છે। 5 મિલીમીટર 7 મિલીમીટર એ રીતના પેઇન્ટિંગ્સ બધા મારા મિલીમીટરમાં હોય છે। बाद कल देर रात शहर में मूसलाधार बारिश बरसी और बारिश के बरसते के साथ साथ बिजली भी कड़क रही थी। इसी की वजह से कल शहर के किशनवाड़ी इलाके में एक मकान में स्लैब ढह गया और इस स्लैब के नीचे आ जाने से दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस इलाके का जायजा आज वहां के माजी काउंसिलर अनिल परमार ने लिया और उनकी ओर से इन दोनों घायल हुए व्यक्तियों से बातचीत भी की गई। इसके साथ ही अनिल परमार ने जिला कलेक्टर से इस पूरे मामले का जायजा लेने की और स्लैब के ढह जाने की वजह से स्लैब को फिर से बनवाने में मदद करने की अपील की गई। त्रण वागे वीजड़ी नो कड़ाका थवा थी आ धाबू तूट्यो अने धाबू तूटवा थी मारा मिस्टर ने वाग्यो अने मने पण वाग्यो। किशनवाड़ी शिवाजी चौक ना नाका पर
મકાન નંબર 4 અને એક શંકરભાઈ માછીકરણ છે, એમનું મકાન હતું. રાત્રે વરસાદ દરમિયાન એ લોકો રેગ્યુલર પ્રમાણે ઘરમાં સૂતા હતા. વરસાદની વીજળી પડવાને કારણે ગઈકાલે રાત્રે જે મૂસળધાર વરસાદ પડ્યો, સાથે વીજળી ધડાકા સાથે વરસાદ પડતા આમના ઘર ઉપર વીજળી પડતા તાત્કાલિક એમનું સ્લેબ તમે જોઈ શકો છો તૂટી ગયો છે. અને એમને કાકાને બી ઇન્જરી થઈ છે, માથામાં વાગ્યું છે, હાથમાં વાગ્યું છે, પગમાં વાગ્યું છે. આખો સ્લેબ જ એ સૂતા હતા ને એમની પર પડ્યો છે. નસીબને સારું કે બચી ગયા કાકા, ને તો કંઈક મોટી હોનાર હતા તેવું લાગતું હતું, પરંતુ કંઈક કાર્યોને કારણસર બચી ગયા છે. પરંતુ આ સ્લેબ તૂટી ગયો છે. આ ગુજરાત સ્લમ ક્લિયર બોર્ડનો બાંધેલો સ્લેબ છે, ગુજરાત સ્લમ ક્લિયર્સે જે તે સમયે બાંધેલો, પણ વીજળી પડવાના કારણે આ અત્યારે સ્લેબ તૂટી ગયો છે. અમે આ એક ગરીબ પરિવાર છે અને આ તમારા સમાચારના માધ્યમથી કલેક્ટરશ્રીને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે અમને કંઈક સહાય મળે અને આને સ્લેબ બાંધવા માટે કંઈક મદદ થાય, એટલા માટે તમારા માધ્યમથી અમે કલેક્ટરને બી જાણ કરીએ છીએ. श्रावण माह के चलते मंदिरों में भक्तों का भारी जमावड़ा देखने मिलता है. उसी के चलते जूनागढ़ के बिलनाथ महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने मिली. जूनागढ़ के भवनाथ बिलनाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग खुद ही प्रागट्य हुआ था और इस जगह से भक्तों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है, जिसके चलते यहां पर भाविक भक्तों का जमावड़ा देखने मिलता है. इस समय श्रावण माह चल रहा है और ऐसे में शिवजी के मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने मिलता ही है. वहां पर फटिक के शिवलिंग भी मौजूद है, जिसके चलते यहां दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो ऐसी आस्था है. इसके अलावा मंदिर की ओर से भोजनालय की व्यवस्था भी कार्यरत है. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है. मोतीबाग पासे आवे बिलनाथ महादेव स्वयंभू शिवलिंग छे. जूनामां जूनुं शिवलिंग होय तो जूनागढ़ वस्त्रापतेश्वर, भवनाथ, भूतनाथ, मांगनाथ अने बिलनाथ महादेव अहीं घणा लोको आवे छे श्रावण मास में. खूब अहीं श्रावण मासनी अंदर અભિષેક દાદાના શરૂ છે અને બધા લોકો બહુ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. બિલનાથ મહાદેવ એટલે સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. અહીં પહેલાં બિલ્લીનું વન હશે અને જે તે કાળની અંદર ભગવાન કોઈને સપને આવી અને પ્રાગટ્ય ભગવાન શિવજીનું થયેલું એ બિલનાથ મહાદેવ મંદિર. અહીં અભિષેક ચાલુ છે રાતના 9 થી 12 વાગ્યા લગી. અહીં સંતો આવેલા છે અમારે હરિયાણાથી અને સરસ પૂજન કરે છે મહાદેવજીનું. સ્ફટિકનું શિવલિંગ છે અને ઘણા લોકો રાતના લાભ ખૂબ લે છે અને ધન્યતા અનુભવે છે. कोरोना की दूसरी लहर के शांत होते ही अब पर्यटक स्थलों को खोल दिया गया है और अब पर्यटन का लाभ लेने के लिए लोग पहुंचते भी हैं. ऐसे में जूनागढ़ के गिरनार में भी घूमने लायक स्थलों पर पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने मिलता है. और इसी बीच जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक जूनागढ़ रोपवे में जब पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे तब पैसे देने के बावजूद भी वो सफ़र का लाभ नहीं ले पाए, क्योंकि वहां पर भारी तादाद में एक साथ लोग पहुंचे थे. जूनागढ़ जिला के पर्यटन स्थलों पर और भवनाथ गिरनार पर्वत पर लोगों का भारी जमावड़ा देखने मिला और यहां तक कि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि रोपवे में पैसे देने के बावजूद भी लोग रोपवे का सफ़र नहीं कर पाए. इसके अलावा जूनागढ़ के अन्य प्रवासन स्थल सफारी पार्क, सोमनाथ महादेव मंदिर, माधोपुर जैसी जगहों पर भी लोगों की भारी तादाद देखने मिली. मतलब कि कोरोना को भूलकर अब इन पर्यटक स्थलों पर लोग काफ़ी ज़्यादा पहुँचते हैं. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है. राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में केवड़िया में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से किया जाएगा.
केंद्र सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण माह के तहत देश के विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा में अगले दो दिन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में राज्य के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री और सचिव शामिल होंगे और विभिन्न मिशनों पर आधारित चर्चाएँ की जाएगी। दो दिन के इस कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री और सचिव दुनिया के सबसे ऊंचे 182 मीटर लंबे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन करेंगे और सम्मेलन के दूसरे दिन सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों करवाया जाएगा। इस पोषण माह के दौरान गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के साथ साथ पोषण उद्यान यानी पोषाहार उद्यान रोपण आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। ये रिपोर्ट केवड़िया से हमारे संवाददाता अनिश खान बलूची ने भेजी है। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे, तब तक दीजिए बीआरजी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।